Hello, my dear students. Welcome to Maths of Fun and Art. Today's motivation is by great Nobel Prize winner Albert Einstein. Okay, so children, let's start adjoint and inverse of a square matrix. See, adjoint and inverse you can find only for square matrices. After finishing the determinant, part of determinant, this is again one topic of matrix. It is adjoint and inverse. So what is adjoint? I have written here, adjoint of a square matrix A is the transpose of a matrix formed by its cofactors. अब देखो, आपको cofactors find out करना आता है, ठीक है? Cofactors की आप matrix बना दो और उसका आप कर दो transpose. तो क्या मिल जाएगा आपको? Adjoint. Let's try. ये एक क्या है? Matrix है, square matrix है. हमारी क्या habit है? हमारी ये habit है कि हम M11 निकालते हैं. Minor. देखो, इस 3 का minor के लिए क्या करोगे बोला था? 3 से राइट एंगल बनाओ, 3, 5, माइनस 1, 7 है ना, 3 पर राइट एंगल बनाओ तो कितना बचा? 7. अब किसकी बारी आई? M11 लिखते हैं, देन फिर M21, 3, 5, माइनस 1, 7, अब 5 पर राइट एंगल बनाओगे, इस 5 पे, तो दिस इज हाउ मच? माइनस 1, देन M, ये M12 है, M22 नहीं, M12. This is M12, alright, how much? Minus 1, then M21 अब आएगा, ये है M21, minus 1, M21 का कितना आएगा? 5, and M22 का कितना आएगा? 3, now, what is C11, क्या बोला था? इस पर sign impose कर दो, इसके ऊपर sign लगा दो, पहला plus होता है, C12 होगा, minus, तो ये plus 1 हो जाएगा, और C21, ये भी माइनस होता है तो माइनस 5 और C22 होगा क्या होगा 3 रहेगा क्योंकि ये प्लस है तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दीज माइनर निकालने के बजाय आप पहले ही क्या कर सकते हैं डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल सकते हैं देखो हम क्या लिखेंगे हम सीधे सीधे C11 इज इक्वल टू प्लस लिख देना जितना भी आएगा 7 आ गया C12 के आगे माइनस लिख दो खुद ही माइनस 1 आ जा रहा है C21 में फिर माइनस लिख दो 5 आ रहा क्योंकि ये माइनस है ठीक है C22 ये कितना है आप किससे लगा रहे हो इससे लगा रहे हैं साइन मैंने आपको बताया था देन C22 फिर प्लस लगाओ 22 है ये जो सफिक्स है ना इसके बेस पे लगता है साइन ऑलरेडी वी हैड अ गुड डिस्कशन इन दिस अब CIJ बनाओ CIJ का मतलब कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स 7 अब ये 1 हो गया ये -5 हो गया ये 3 हो गया अब इसका बना दो CIJ का ट्रांसपोज CIJ का ट्रांसपोज आप लिखोगे तो ये 7 1 -5 3 सो दिस विल बी द एडजॉइंट यही इसका क्या होगा एडजॉइंट होगा इसका एडजॉइंट क्या है एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू CIJ का ट्रांसपोज दिस इज हाउ मच अभी मैंने लिखा 7 1 -5 3 ये आपके पास ट्रांसपोज आ गया आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा अब हम करेंगे 3 ऑर्डर वाला एक ट्रांसपोज करेंगे देन वी विल गो फॉर सम प्रॉपर्टी सी लुक हियर दिस इज द 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स लेट अस फाइंड इट्स एडजॉइंट क्या करेंगे सबसे पहले मैंने आपको बोला M11 लिखने की जरूरत नहीं है मैं क्या लिखूंगी सीधे सीधे C11 व्हाट इज C11 इसमें प्लस लगता है सबसे पहले पहला वाला प्लस होता है इसके करस्पॉन्डिंग माइनस वन के करस्पॉन्डिंग 1 -2 -2 and 1 तो ये कितना आ जाएगा कैलकुलेट करो 1 -4 दिस इज -3 देन C12 ये माइनस होगा इसके पहले आप खुद ही माइनस लगा लोगे C12 ये है ये आप लिखोगे 2 2 -2 1 कितना हो गया 2 + 4 हो गया ये ठीक है दिस इज 2 + 4 लेकिन बाहर से माइनस है तो -6 C13 फिर से क्या होगा ये प्लस होगा ऐसे लगा लो माइनर अलग से निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है दिस इज हाउ मच ये बन जाएगा
टू टू वन माइनस टू, कैलकुलेट कर लो, ये माइनस फोर माइनस टू, ये भी माइनस सिक्स ही आ गया, ठीक है। एंड सी टू वन, अब माइनस होगा, अल्टरनेट पहला प्लस माइनस। और अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो ये जो ऑड है, अगर ये ऑड है, देखो टू प्लस वन थ्री, ये ऑड है तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा, टू प्लस वन प्लस थ्री फोर होता है, ये पॉजिटिव, जब ये ऑड हो जाएगा, इसका सम ऑड हो गया तो यहाँ नेगेटिव, और इसका सम इवन है तो यहाँ पॉजिटिव लग जाएगा, बस लास्ट यही है इसका। इसकी निकालो, इसका इस टू का निकालोगे तो क्या करोगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा माइनस टू माइनस टू एंड माइनस टू वन। अब लेट अस कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस टू प्लस फोर हो गया, ये माइनस टू प्लस फोर के बाद फिर भी माइनस फोर, माइनस सिक्स का फिर प्लस सिक्स, एंड सी टू टू, सी टू टू फिर प्लस आ जाएगा, ये प्लस आएगा तो सी टू टू, ये सी टू टू है, देन इसे आप लिखोगे, इसके करस्पॉन्डिंग कैंसिल हो जाएंगे, माइनस वन टू एंड माइनस टू वन, माइनस वन प्लस फोर, ये हो गया थ्री। तो दिस वे यू विल फाइंड सी, ये सी टू टू निकाल दिया, सी टू थ्री निकालोगे, सारे निकालोगे। अब मैं बनाती हूँ सी आई जे, लेटर सी, सी आई जे की मैं मैट्रिक्स बनाती हूँ, तो ये रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स यू विल कैलकुलेट, आप इनको निकालोगे। पहले हम बनाते हैं सी आई जे की, देखो ये माइनस थ्री था, माइनस थ्री एंड ये माइनस सिक्स, ये भी माइनस सिक्स, देन ये सिक्स है, ये आएगा आपका थ्री, ये आएगा माइनस सिक्स, और ये आएगा सिक्स, ये माइनस सिक्स, और ये थ्री। दिस इज व्हाट, दिस इज सी आई जे, लेकिन आपको एडजॉइंट लिखना है, आपको क्या लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए लिखना है, तो आप लिखोगे सी आई जे का ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस सिक्स, सिक्स थ्री माइनस सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स थ्री, इसका ट्रांसपोज कर दो, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एडजॉइंट। आई होप यू कैन डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन फाइंड द एडजॉइंट। नाउ लेट मी मूव फॉर सम, सी चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू डिस्कस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड इनवर्स। फर्स्ट वर्ड इज सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वेयर मैट्रिक्स, ए इज सेट टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो हो जाता है तो दिस इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। अब आते हैं एडजॉइंट में, एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस एडजॉइंट की होती है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अभी जस्ट नाउ यू गॉट एडजॉइंट ऑफ ए एंड यू नो नाउ हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, आई एन इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर, एन मीन्स इस ऑर्डर की, जिस भी ऑर्डर की मैट्रिक्स थी द सेम ऑर्डर की क्या हो जाएगी, आई एन हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, दिस विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए। तो इससे क्या आता है, इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, इफ यू लुक एट दिस, देखो दिस इज अ मैट्रिक्स एंड दिस इज एडजॉइंट, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैंने किया है, दिस इज इक्वल टू ये आ जाता है, ठीक है। अभी आप कोई न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर के करोगे ये आ जाता है। इससे व्हाट कंक्लूजन वी गॉट, देखो कंक्लूजन ये मिलता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ रो एंड इट्स करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स, ए वन वन है तो सी वन वन होना चाहिए, ए वन टू है तो सी वन टू होना चाहिए, ए वन थ्री है तो सी वन थ्री, दिस इज इक्वल टू, सॉरी ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज नॉट जीरो, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन मार्कर कहीं पर भी इससे रिलेटेड जरूर आता है, ये कॉम्पिटिशन्स में भी आता है, ये ट्वेल्थ में भी आता है, ये आपके यूनिट टेस्ट में भी आएगा, टेस्ट में भी आएगा, हाफ ईयरली में भी आएगा, ए वन वन सी वन वन, ए वन टू सी वन टू, ए वन थ्री सी वन थ्री, अगर ये है सेम है दोनों तब तो ये क्या है, तब तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, और अगर ये डिसिमिलर है, ए वन वन ए सी टू वन, ए वन टू सी टू टू, अगर देखो जब मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो ये सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। और अब आएगा यहाँ पर, यहाँ पर वाला कौन सा एलिमेंट है, देखो यहाँ पर वाला एलिमेंट है इससे इससे इसको करेंगे जीरो, इससे इसको करेंगे तब ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
तो इन प्लेसेस पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाता है, बाकी जीरो हो जाते हैं सारे एलिमेंट। ऐसे ही यहाँ पर भी ये क्या आ जाएगा, देखो A31 इंटू C31, ये एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है A31 इंटू C31, A32 C32, A33 C33, ये है, ठीक है। A31 ये जरूरी नहीं कि A21 हो, ये भी हो सकता है। देखो A31 इंटू C31 प्लस A32 इंटू C32 प्लस A33 इंटू C33 सिमिलर है, सेम होने चाहिए ये और ये सेम होने चाहिए। ऐसे A21 इंटू C21 प्लस A22 C22 A23 C23, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। लेट्स कम फॉर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सी अ स्क्वेयर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी इनवर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स B सच दैट A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A इज इक्वल टू IN। IN का मतलब ये दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। देन IN मीन्स IN इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर A और B, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ विच ऑर ऑफ A एंड B। देन इन दिस केस अगर कभी ऐसा हो जाता है तो A का इनवर्स B होगा और B का इनवर्स A होगा। अभी अभी जस्ट नाउ वी हैव सीन दिस A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into IN। See, अगर मैं इसको determinant of A से डिवाइड कर दूं तो A into adjoint of A upon determinant of A, this is equal to adjoint of A upon determinant of A into A, this is equal to IN। All right, now this is going to provided what? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तब उस केस में हम इसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो ए इंटू बी। अब लेट मैं क्या लिख दूं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये एक मैट्रिक्स है, अगर इसे बी लिख दिया जाता तो ये ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू कितना आ जाता, आई एन आ जाता। दिस इज द केस ऑफ इनवर्टेबल। इसका मतलब A का इनवर्स क्या था, B। देन A का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। ये आपको किसका, ये आपको मिल गया इनवर्स का फॉर्मूला, प्रोवाइडेड दिस A शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A को क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। तो आप क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आर इनवर्टेबल। ओके, नाउ वी विल गो फॉर सम प्रॉब्लम। सो चिल्ड्रन हियर आर सम प्रॉब्लम्स, यू विल डू दिस। द फर्स्ट इज ए मैट्रिक्स इज दिस, इट इज सिंगुलर, इफ इट इज सिंगुलर फाइंड एक्स। क्या करोगे इस केस में, आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो कर दो। पॉज दिस वीडियो एंड प्लीज डू दिस। नेक्स्ट, if a is this b is this, verify adjoint of ab is equal to adjoint of b into adjoint of a, this is called a reversible law। kya hai reversible law, transpose ka padha tha na aapne, ab whole transpose kya hota tha, b transpose a transpose। similarly adjoint of ab is equal to hota hai adjoint of b into adjoint of a, ye reversible law hai, reversible law follow karta hai। एंड नेक्स्ट में मैंने लिखा है वॉट, शो दैट ए इज दिस, शो दैट ए इंटू ए जॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए जॉइंट ऑफ ए इंटू, वेरीफाई करना है आपको ये, एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए जॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये ए इनवर्स आएगा। पॉज दिस वीडियो एंड डू ऑल दीज क्वेश्चंस।